हसन वजीर आजम इमरान खान ने अरकान पार्लियामेंट से खिताब किया है, आइए आपसे शेयर करते हैं। मैं आज आप सबको खुशामदीद कहता हूँ, अपने एलाइज को, हमारी जो एलाइड पार्टीज हैं उनको, सेनेटर्स को, एमएनएज को, और मैं आज आपको ख़ास वजह से बुलाया। मैं ये समझता हूँ कि आपको अब तक अंदाज़ा हो गया होगा कि मेरा मकसद पॉलिटिक्स में आने का क्या था। क्या इसमें जिस तरह पॉलिटिक्स में आके लोग अपनी ज़ात के लिए करते हैं, या पॉलिटिक्स में आके एक मुल्क को बदलने के लिए आया था। एक जो हमारा कॉन्सेप्ट नया पाकिस्तान का, दरअसल कॉन्सेप्ट सिंपल ये था कि एक मकसद के लिए पाकिस्तान बना था, और वो हमारे फाउंडिंग फादर्स ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बड़ा वाज़े कर दिया था, मिसाली इस्लामी फ्लाई रियासत, जो कि इलामा इकबाल ने इसको जो तसव्वुर किया था बार बार, और कायदे आज़म ने जिसके लिए अपनी सेहत को पीछे रख के मुल्क के लिए उन्होंने जो स्ट्रगल की थी, वो एक बड़ा एक ख्वाब था कि एक अजीम मुल्क बनेगा, दुनिया में मिसाल बनेगी कि असल में इस्लाम के असूलों के ऊपर कैसे एक मुल्क खड़ा हो सकता है और एक अजीम कौम बन सकता है। और ये जो फाउंडिंग फादर्स थे हमारे, वो सब ये समझते थे कि एक दफ़ा एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में एक मॉडल बनाया था, असूल उन्होंने सेट किए थे, पहले एक माशरे की इखलाकियात उठाई थी, मॉरल स्टैंडर्ड्स ऊपर की थी, और फिर वही कौम जिसकी हैसियत कोई नहीं थी उसको उन्होंने दुनिया की इमामत करवाया। तो ये मॉडल, इसलिए मैं वाज़े बार बार रिपीट करता हूँ कि ये सबसे कामयाब दुनिया का मॉडल है। किसी दुनिया की किसी लीडर ने ये नहीं किया कि एक कौम जिसकी हैसियत कोई नहीं थी, 15-20 सालों के अंदर उसने दुनिया की इमामत करनी शुरू कर दी, सुपर पावर्स उसके सामने बैठ गए। तो इसलिए कुरान में अल्लाह कहता है उनकी जिंदगी से सीखो, उनके रास्ते पे चलो, और ये याद रखें कि वो रहमतुल आलमीन थे, यानी जो इंसान, सब इंसानों के लिए वो रहमत बन के आए थे। तो जो इंसान उनके रास्ते पे चलेगा वो ऊपर चला जाएगा। तो अगर आज स्कैंडिनेविया के अंदर या चाइना के अंदर वो उन असूलों पे चलेंगे, वो ऊपर चले जाएंगे। अगर यहूदी, जिस तरह उन्होंने तालीम की इमरजेंसी नाफिस की थी, अगर वो उस तालीम के ऊपर वो जोर देंगे जो उन्होंने हमें कहा था कि जब से पैदा हो और जब तक कब्र तक जाओ इल्म सीखो, और चाइना जाओ इल्म सीखने के लिए, तो अगर यहूदी करेंगे वो ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि रहमतुल आलमीन थे, सब इंसानों के लिए वो आए थे। तो जो भी इंसान उनके प्रिंसिपल्स पर चलेगा वो ऊपर चला जाएगा। ये है मकसद जो 25 साल पहले तहरीक इंसाफ का मैंने अनाउंस किया था कि हमने एक इस्लामी फलाई रियासत बनानी थी, जो कि मदीना का मॉडल था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो अब सेशन है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि देखें, अगर एक माशरे के अंदर उनकी अखलाकियात, उनकी मोरालिटी अगर कायम है, आप एटम बॉम्ब मार के भी उस कौम को खत्म नहीं कर सकते। जापान के ऊपर 2 एटम बॉम्ब गिरे, 10 सालों में खड़ी हो गई। जर्मनी के अंदर एक बिल्डिंग नहीं खड़ी थी, वो भी 10 सालों में कौम कहां से कहां पहुंच गई, क्योंकि उनकी मोरालिटी कायम थी, उनके मॉरल स्टैंडर्ड्स कायम थे। तो कौम जब उसकी मोरालिटी जाती है, तो मैं बार मिसाल देता हूं लेबनन की, बेरूत को हमारी जिंदगी में हमेशा पेरिस ऑफ मिडल ईस्ट कहते थे, आज वो फेल्ड स्टेट है, 75% लोग उनके गुर्बत की लकीर से नीचे जाने लगे हैं, जो सारे मिडल ईस्ट में मिसाल देते थे उसकी। क्या वजह है? अगर आप उनके लोग जो सड़कों के ऊपर एहतजाज करने वाले नौजवान थे, वो क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट करप्ट है। और करप्शन एक सिम्टम है, जब आपकी इखलाकियात खत्म होती है तो करप्शन आती है, जब आपके पास इखलाकी कुवत होती है तो आप इंसाफ कर सकते हैं।
قوم جس کی اخلاقیت ختم ہو جاتی ہے وہ انصاف بھی نہیں کر سکتی, وہ وہی کرتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بڑی قومیں تباہ ہوئیں طاقتور کے لیے کوئی, کمزور کے لیے دوسرا قانون, مطلب کہ جو انصاف نہیں کر سکتی قوم وہ تباہ ہو جاتی ہے. تو یہ جو آج سیشن ہے اس کا مقصد تھا کیا؟ سمپل مقصد ہے کہ 1970 کے بعد جتنی الیکشنز ہوئی ہیں ساری کانٹروورشل ہوئی ہیں, ہارنے والے نے مانگا ہی نہیں, مانا ہی نہیں رزلٹ, وہ کہتے ہیں جی دھاندلی ہوئی ہے. تو جب اگر 50 سال میں ہم الیکشنز فری اینڈ فیئر, فری اینڈ فیئر کا مطلب جس طرح ان ڈیولپڈ ڈیموکریسیز میں الیکشن ہوتی ہے سب تسلیم کرتے ہیں رزلٹ, تو اگر ہم 50 سال میں یہی نہیں کر سکے تو یہ کیوں نہیں کر سکے؟ کیونکہ جب ایک پارٹی گورنمنٹ میں آتی ہے اس کے پاس وسائل آ جاتے ہیں, اس کے پاس موقع ہوتا ہے, نیچے اپنا سارا پولنگ سٹاف اپنا کر دیں, ان کے پاس طاقت آ جاتی ہے. تو جس نے آ کے اصلاحات کرنی ہوتی ہے وہ گورنمنٹ ہوتی ہے. تو گورنمنٹ آپ کے سامنے ہے, ہم نے 2015 کے اندر جو جوڈیشل کمیشن بنی وہ کیوں بنی, 126 دن کا ہم نے کیوں دھرنا دیا؟ ہم نے دھرنا اس لیے دیا کہ اس الیکشن کے اندر جو 2013 کی تھی ہم نے کہا دھاندلی ہوئی یار, ہم نے 4 حلقے کہہ دیے. 1 سال لگے رہے کہ صرف 4 حلقے کی آڈٹ کر دو تو ہم مطمئن ہو جائیں گے, اس لیے کہ اگلا الیکشن ٹھیک ہو. یہ میری ساری سٹیٹمنٹس ریکارڈڈ ہے سوشل میڈیا پہ, 4 حلقے مانگے تھے. اور پھر بار کہا تھا کہ 4 حلقے ہو جاتے ہم نے کوئی گورنمنٹ تو نہیں بنانی تھی, کہ اگلی الیکشن ٹھیک ہو. آپ یقین کریں جب وہ ہم عدالتوں سے جب 4 حلقے کھلوائے چاروں میں دھاندلی نکلی. لیکن پھر جو جوڈیشل کمیشن دھرنے کے بعد بنی اس کے اندر جو فائنڈنگز آئیں, ایک گورنمنٹ نے اصلاح نہیں کی, کوئی کوشش نہیں کی گئی کہ اگلا الیکشن ٹھیک ہو جائے. اور پھر جب 2018 کا الیکشن آیا انہی کا الیکشن کمشنر, انہی کے نیچے پولنگ سٹافر کہتے جی دھاندلی ہو گئی. سینٹ, جو بھی آپ میں سے پالیٹکس میں ہیں سب کو پتا ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں کیا ہوتا ہے. وہ تو چھوڑے, ویژولز دکھا دیے گئے, ویڈیو کلپس دکھائی گئیں کہ سینٹ کے الیکشن میں لوگ پیسے لے رہے ہیں, ایسے میڈ ٹیبل پہ بیٹھے اور ایسے ایسے نوٹ ڈالے جا رہے ہیں بیگز میں, کوئی کچھ نہیں ہوا. یہ سوچ لیں کہ یہ میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک کی اخلاقیات کدھر پہنچ گئی ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنہوں نے جا کے پبلک کے فیصلے کرنے ہیں, جو پبلک ریپرزینٹیٹو ہیں, وہ ایسے ایسے نوٹ ڈال رہے ہیں اپنے بیگز کے اندر اور ویژولز بھی آ جاتے ہیں. نہ الیکشن کمیشن کچھ کرتی ہے, نہ گورنمنٹ کچھ کرتی ہے. اس باری پھر سپریم کورٹ کہتا ہے کہ ویریفائبل ووٹ ہونی چاہیے, جب ان کو پتا ہے, کیونکہ بار بار دیکھا گیا کہ سینٹ کے الیکشن میں پیسہ چلتا ہے. کس نے اپوز کیا؟ ساری اپوزیشن پارٹیز نے اور الیکشن کمیشن نے. یعنی مجھے یہ, میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس میں ہمیں کیا فائدہ ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ اوپن بیلٹ ہونی چاہیے سینٹ کے اندر تاکہ سب کو پتا چل جائے ووٹ کس نے ڈالی ہے, اس میں ہمارا فائدہ کیسے تھا؟ تو جب پتا ہے کہ سیکرٹ بیلٹ پہ پیسہ چلتا ہے تو الیکشن کمیشن جس کا کام ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کروانا اور اپوزیشن, وہ کیوں اس کو اپوز کر رہے تھے؟ صرف میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ وہ لاجک کیا تھی. جب آپ نے ویڈیوز بھی دیکھ لی پیسے چلتے ہوئے, یہ کیا وجہ ہے؟ میں آپ کو مغرب کا بتاتا ہوں کیونکہ میرا بڑا ٹائم گزرے وہاں, جدھر جو مدر آف ڈیموکریسی کہا جاتا ہے پارلیمنٹری ڈیموکریسی برطانیہ میں, ویسٹ منسٹر ماڈل. آپ سو تصور نہیں وہاں کوئی کر سکتا اس طرح کی چیز. جو ان کی ڈیموکریسی ہے اس کی بیسس مورالٹی ہے. اگر ان کی ڈیموکریسی آج چل رہی ہے تو ان کے مورل ویلیوز ہیں جو ڈیموکریسی کو چلاتے ہیں. جب آپ شروع ہی کر رہے ہیں ڈیموکریسی دھاندلی دو نمبری سے, وہ تو مورل مورالٹی کدھر چلی گئی اس کی؟ تو جب آپ کو پتا تھا, میں آج بھی مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ اپوزیشن, جب ان کو پتا تھا ان کے دور میں ہمیشہ پیسہ چلتا ہے سینٹ کے الیکشن میں, انہوں نے کیوں اس کی مخالفت کی؟ اور الیکشن کمیشن, اس نے کیوں مخالفت کی؟ پھر
अब ईवीएम्स, ये ईवीएम्स को हमने एक दिन फैसला नहीं किया, हमने सारी रिपोर्ट देखी 2015 की जो जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट आई थी, उसमें डिटेल्स देखी कि किधर किधर उन्होंने कितने तरीके थे उस रिपोर्ट में, अगर आप पढ़े कि किधर किधर धांधली होती थी, बैग्स कैसे खुले होते थे, डबल स्टैम्प्स कैसे लगते थे। तो वो जब रिपोर्ट सारी स्टडी की तो उसमें पता चला कि ज्यादातर धांधली होती है जैसी पोलिंग खत्म होती है और रिजल्ट अनाउंस होने के बीच में, डब्बे कई दफा बदले जाते हैं, रास्ते में वो जा रहा हो, हर किस्म की चीजें। ये अदालत के अंदर आई थी जबकि जुडिशियल कमीशन बैठी थी, तो उसको स्टडी करके हमने फैसला किया कि इसका तरीका एक ही है, ईवीएम मशीन ले आओ। क्योंकि ईवीएम मशीन से क्या होना है, जैसे इलेक्शन खत्म हो सीधा रिजल्ट आ गया, किसी ने चेक करना है तो पेपर ट्रेल पड़ी हुई है। तो वो तो हमने बड़ा यानी एकदम फैसला नहीं किया। अच्छा, फिर जब हमने ईवीएम शुरू किया और तकरीबन 1.5 साल से बार बार ऑपोजिशन को कहते रहे कि आए बताएं कोई बेहतर तरीका क्या है, क्योंकि शोर तो आपने मचाए हुए, 2018 की इलेक्शन धांधली हुई है, इलेक्शन कमिश्नर आपका, स्टाफ सारा आपका, और फिर भी आप शोर मचा रहे हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई, तो बताएं तजवीज क्या है। 1.5 साल से इन्होंने कभी भी ना गवर्नमेंट की मदद की, ना कोशिश की, ना इन्होंने कोई बताया अपनी कोई तजवीज क्या होगी, बॉयकॉट करते रहे। अब मैं सवाल पूछता हूं कि तजवीज आपने देनी नहीं है, सारी इलेक्शन 50 साल से कॉन्ट्रोवर्शियल है, एक गवर्नमेंट वो लेके आ रही है ईवीएम मशीन्स, इसमें हमें क्या फायदा है? जिस तरह के सेनेट के इलेक्शन की ओपन वोटिंग से हमें क्या फायदा है? ईवीएम मशीन है क्या? बेसिकली ये होता है जिस तरह एक कैलकुलेटर होता है कि वोट सारी पंच की, जैसे इलेक्शन खत्म हुई दोबारा रिजल्ट आ गया, किसी ने चेक करना है, पेपर ट्रेल आपके सामने है। ये बड़ी सोच समझ के हम लेके आए थे कि इससे सारी कंट्रोवर्सी खत्म हो जाएगी। किसने अपोज किया? सारी ऑपोजिशन ने, और फिर इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का क्या काम था? वो इसके खिलाफ शुरू हो गया प्रोपोगेंडा करना और कोई वजह नहीं दे रहा है, अजीब अजीब सी चीजें बता रहे हैं कि पता नहीं ये ना हो जाए, पता नहीं बलूचिस्तान में बिजली ना हो तो क्या हो, यानी हर वो चीज। तो आजकल जो इलेक्शन है उसमें क्या होता है, कभी बताया है कि उस इलेक्शन के अंदर जो थैलियां खुली होती है, जो सब कुछ होता है, जो ड्रामा, जो 24 घंटे के बाद रिजल्ट आता है, डबल स्टैंप लगा के हराया जाता है, ये सारी चीजें, तो इसका क्या तोड़ है? इसका तोड़ ईवीएम मशीन्स है। और मैं आज आप सबको ये कहना चाहता हूं कि देखें, जब भी आप एक माशरे में इस्लाह करने जाते हैं, रिफॉर्म करना चाहते हैं, रिफॉर्म्स के अगेंस्ट हमेशा एक वेस्टेड इंटरेस्ट खड़ा होता है। वो वेस्टेड इंटरेस्ट जो एक करप्ट सिस्टम को चेंज इसलिए नहीं होने देता कि उनका फायदा उसके अंदर, इसके अंदर जितने भी जाली वोट्स बनाए हुए हैं वो निकल जाएंगे, सारी चीजें जो लोअर स्टाफ के जरिए धांधली करवाते हैं वो खत्म हो जाएगा। इसके अंदर वो चीजें आपके सामने पहली दफा एक मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाएगा। मैं अभी तक नहीं समझा कि इसमें मेरी एंगल क्या है। अगर ओपन बैलेट होती है सेनेट की, उसमें मेरा फायदा क्या? अगर ईवीएम मशीन है उसमें हमारी पार्टी का क्या फायदा है? कोई अभी तक जवाब नहीं दे सके, लेकिन ये नहीं करना। और मुझे अफसोस ये है कि इलेक्शन कमीशन, जिसका सिर्फ काम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है, वो भी इसके खिलाफ उन्होंने पूरी मुहिम की है। उसके ऊपर पहले सेनेट के ऊपर उन्होंने, जिस तरह अदालत ने मौका भी उनको दिया कि वेरीफाइबल वोट कर दें, उधर भी उन्होंने अपोज किया, आप भी कर रहे हैं। देखिए, मैं अपने, आप सब मेरी टीम है, और अपने एलाइज को भी मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, ये जो हमारा मुल्क है ना, इसके अंदर जब तक हम, और मैं अपनी हम सब की बात कर रहे हैं, जब तक हम इस मुल्क की अखलाकियात को नहीं उठाएंगे, जब तक हम अपनी इस मुल्क की, हम लोग, हम सब, आप सब लीडर्स बैठे हुए हैं, लीडर्स अपनी मिसाल से लीड करते हैं, हम अगर खड़े नहीं होंगे इस मुल्क की अखलाकियात उठाने के लिए, तो ये क्या आप उम्मीद लगाते हैं कि पटवारी और थानेदार ठीक हो जाएगा? हमेशा मोरालिटी ऊपर से शुरू होती है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में अपनी मिसाल से एक मुल्क की अखलाकियात, मॉरल स्टैंडर्ड्स उठा दिए। वहां भी शुरू में मुश्किल थी, उधर भी मुनाफिकीन थे, उधर भी मुश्किल वक्त थे,
लेकिन ये याद रखें कि कोई कौम आज तक अजीम कौम बन ही नहीं सकी जिसके अंदर इखलाकी कुव्वत ना हो इंसाफ करने के लिए। हर कोई इंसाफ नहीं कर सकता। अगर आपके पास इखलाकी कुव्वत नहीं है, आप डील्स करते हैं, आप इंसाफ नहीं कर सकते। आप ताकतवर को कानून के नीचे नहीं ला सकते, आप माफिया से लड़ नहीं सकते। ये सिर्फ आप इनसे लड़ते हैं इखलाकी कुव्वत से। और ये शुरू होती है कि जब तक आपका इलेक्शन ही ठीक नहीं होगा, जब तक वो ही फ्री एंड फेयर नहीं होगा, जब वो ही तस्लीम नहीं करेगी ऑपोजिशन, तो डेमोक्रेसी तो शुरू उधर से होती है। शुरू से कंट्रोवर्सी हो जाए कि जी देखें हमने 2013 में हमें पता था नेशनल असेंबली की सीट में 4 हल्के सिर्फ मांगे, हमने कहा इनकी ऑडिट कर दें, नहीं की इन्होंने। इन्होंने तो हमें कहा ही कुछ नहीं, हम इनको कहते रहे कि बताएं अगर इलेक्शन में धांधली हुई हमें बताएं, हम तैयार थे। लेकिन ये मकसद इनका चेंज नहीं है, ये एक पुराने सिस्टम, एक करप्ट सिस्टम की पैदावार है और ये चेंज नहीं आने देंगे। ये चेंज हमने लेके आना है। और मैं ये चाहता हूं आप सबको कि देखें आप सब समझें कि आप जिम्मेदार हैं इसके। ये कोई इमरान खान का कोई जाती फायदा नहीं हो रहा, ये हम सब के लिए, क्योंकि हमने अपनी आने वाली नस्लों के लिए हम चेंज लेके आ रहे हैं। हम उनके लिए एक बेहतर पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं। वो हम कैसे करेंगे कि अगर जब इलेक्शन खत्म, जो इलेक्शन के अंदर चीजें होती हैं हम सबको पता है क्या, सेनेट इलेक्शन, मेरा मतलब इससे शर्मनाक चीज क्या है कि सेनेट इलेक्शन से पहले एक जनाब वो आके हमारे लोगों को पैसे ऑफर कर रहा है और उसकी वीडियो निकलाती है, कोई एक्शन नहीं लिया जाता। तो ये कौम देख रही है सारी। तो हम कौम को जब कहते हैं कि आप करप्ट ना हो और आप ये ना हो और आप ठीक, तो वो ऊपर हमारी तरफ देखते हैं। मॉरल वैल्यूज ऊपर से नीचे आते हैं। तो इसलिए ये हम सबका इशू है। मैं चाहता हूं कि इसमें आपने पूरी तरह इसको एक नेशनल इशू बना के इसमें पूरी शिरकत करनी है। आप सब ने इसको कामयाब करना है, क्योंकि ये आपका मुकाबला माफिया से है। ये चेंज नहीं आने देंगे, क्योंकि चेंज में इनको पता है कि इनके लिए तबाही है। ये नहीं चाहेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, उसमें पैसा नहीं चल सकेगा इस तरह जिस तरह ये चलाते हैं। और इसलिए इंशाल्लाह ये जो हम कल करने जा रहे हैं, इसमें मैं सबको चाहता हूं कि आपने इसको एक अपना पर्सनल एक जहाज समझ लिए। ये आप अपनी जात के लिए नहीं कर रहे, ये कोई इलेक्शन चेंज इसलिए नहीं कर रहे कि इसमें इमरान खान को या आपको किसी को फायदा है। ये अपने डेमोक्रेसी के लिए कर रहे हैं जो शुरू ही तब होती है फ्री एंड फेयर इलेक्शन से। शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का अरकान पार्लियामेंट से खिताब। वज़ीर आज़म ने कहा कि सियासत में आने का मकसद मुल्क को फलाही रियासत बनाना था। जो कौमें इंसाफ नहीं करती तबाह हो जाती हैं। 1970 के बाद तमाम इंतखाबात मतनाज़ा रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान अरकान पार्लियामेंट से खिताब कर रहे थे। इसी के साथ ही पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से फिलहाल इतना ही।